बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, नो वी शैल एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलेरेशंस। लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलेरेशन के बीच में अब हमें रिलेशनशिप जो होगा वो डिवेलप करना होगा इस लेक्चर में। हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं, प्रूव दैट ए इज इक्वल टू आर एल्फा। इसमें जो ए है ये हमारे पास है टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन, आर रेडियस है, आपका जो अल्फा है ये एंगुलर एक्सेलेरेशन है। टू प्रूव दिस लेट अस कंसीडर अ रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट जी एक्सिस विद एंगुलर एक्सेलेरेशन अल्फा। यू कैन सी इस सर्कल में एक रिजिड बॉडी मूव कर रहा है और इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो जी है और जो अल्फा है ये अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन है एंड वी नो इट इज एंगुलर एक्सेलेरेशन। The point P will have linear or tangential acceleration, just like हमने कहा था कि tangential velocity होगी, उसी तरह जिस तरफ tangential velocity होगी उसी तरफ हमारे पास ये tangential acceleration है। P1, P2 जब बहुत small होंगे तो ये P1, P2 को मिलाने वाली जो line होगी ये tangent बनेगी और इसी तरफ tangential velocity थी और इसी तरफ हमारे पास अब tangential acceleration या linear acceleration A है। अब हमें इस lecture के अंदर A, R और अल्फा इन तीनों का आपस में रिलेशनशिप जो है वो डिवेल्प करना है। इस पर्पस के लिए वी नो दैट वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, हम प्रूव कर चुके हैं वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। इफ देयर इज चेंज इन वी मीन इफ वी राइट वी एज अ डेल्टा वी देन देयर विल बी चेंज ऑन राइट साइड एंड दैट विल बी इन ओनली ओमेगा। ओमेगा विल चेंज एंड इट विल बी डेल्टा ओमेगा। मतलब अगर वी में चेंज होगी तो इधर ओमेगा में चेंज आएगी क्योंकि आर तो रेडियस है, वो तो चेंज नहीं होना, वो तो एज इट इज आ जाएगा क्योंकि किसी एक सर्कल का रेडियस जो होता है वो कांस्टेंट रहता है। नो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा टी, उसी तरह हमने जिस तरह पहले हमने डिवाइड किया था डेल्टा एस को डेल्टा टी पे और डेल्टा थीटा को डेल्टा टी पे, उसी तरह डेल्टा वी को जो है वो अब डेल्टा टी पे डिवाइड कर देंगे। डेल्टा वी बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू आर इंटू डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा अप्लाइंग अगेन लिमिट डेल्टा टी गोज टू जीरो ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि हमें पता है कि टाइम इंटरवल शुड बी वेरी वेरी स्मॉल, तो उसी तरह हमने टाइम इंटरवल वेरी स्मॉल लिया है तो दोनों तरफ लिमिट ले लिया आपने इस तरफ इसमें, तो लिमिट डेल्टा टी गोज टू जीरो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू आर लिमिट डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी। जैसा कि मैंने कहा था जब लिमिट स्मॉल होगी तो जो हमारे पास दो पॉइंट्स होंगे उनको मिलाने वाली लाइन एक टेंजेंट बन जाएगी, तो जी टेंजेंट की तरफ जो डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, ये डेल्टा वी जो है ये टेंजेंशियल वेलोसिटी या लीनियर वेलोसिटी है, तो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी इज कॉल्ड लीनियर एक्सेलेरेशन। जो हमारे पास लीनियर एक्सेलेरेशन ए बन गया, ए हमारे पास लीनियर एक्सेलेरेशन बन गया यहाँ पे, तो ये लीनियर एक्सेलेरेशन बन गया इज इक्वल टू आर का वैसा आ गया और हमारे पास जो है ये जो डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये एंगुलर वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलेरेशन अल्फा, ये हमारे पास अल्फा बन गया ए इज इक्वल टू आर अल्फा। ये हमारे पास आ गई मैग्नीट्यूड फॉर्म ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड अल्फा। अगर हमें लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलेरेशन, अगर इसको हम वैक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो इसमें लिख सकते हैं एंड में इन वेक्टर फॉर्म ऐसे, ये एंड रिजल्ट को आप ऐसे लिख सकते हो इन वेक्टर फॉर्म। जिस तरह पहले आपने v इज इक्वल टू मेगा क्रॉस r लिखा है बिल्कुल उसी तरह इसमें बन जाएगा a इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस r। इसमें आप लिखोगे a इज इक्वल टू ए टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन, ऊपर आप ऐसे एरो डालोगे a वेक्टर इज इक्वल टू अल्फा पहले आएगा कि अल्फा अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अब इसको हम रोटेट करवाते हैं टूवर्ड्स आर, जिसको हम कहते हैं ये पोजीशन वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड रेडियस होती है अल्फा क्रॉस आर इज इक्वल टू वी, ये हमारे पास आ जाएगा रिक्वायर्ड रिलेशनशिप।
वेक्टर फॉर्म a इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस r, ये वेक्टर फॉर्म में और ये हमारे पास है मैग्नीट्यूड फॉर्म में. इट्स ऑल फ्रॉम हियर. अल्लाह हाफिज़.